हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सान्या व्लॉग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अयोध्या की गलियों में अभी जा रहे हैं। यहाँ ना अभी बहुत ही पतली गली बनी हुई है, धीरे धीरे यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये पार्ट थर्ड भी अच्छा लगेगा अयोध्या के बारे में जानकर। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, देखिए आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग जैसे ही अयोध्या में एंट्री करेंगे ना, तो वैसे ही अयोध्या थाना के जस्ट बगल में कार पार्किंग की जगह बनी हुई है। हम लोग सबका मतलब कार यहीं पे खड़ा रहता है, फिर इसके बाद आपको सारे दर्शन पैदल चल के ही करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग कार से हर जगह जाएंगे, दूर दूर बहुत दूर नहीं है, फिर भी 1-1.5 किलोमीटर के अंदर सारी मंदिर है, तो आप लोग को पैदल ही चल कर जाना होगा, जैसे कि हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी कनक भवन की तरफ। ये वही महल है जिसको रानी कैकेयी ने इस माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। ये महल जो है ना काफ़ी बड़ा है, और इसको देखने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और पूरी अयोध्या में ये जो महल है ना सबसे ज़्यादा बड़ा यही महल है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ कनक भवन। आप लोग देख सकते हैं यही वो कनक भवन है, और बहुत ज़्यादा सुंदर था ये, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी बड़ा था। इसके सामने छोटी सी मूर्ति बनी हुई थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो कनक भवन बंद था, तो हम लोग पहले ये सोचे कि जब तक ये बंद है तब तक हम लोगों ने अगल बगल की जो दुकानें थी वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ पलक के लिए, कुछ अपने लिए। और ये छोटा सा मंदिर जैसा दिख रहा है ये भी कनक भवन के अंदर ही आता है सब। ये काफ़ी बड़ा था इसलिए इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी मंदिर जैसा बना हुआ था। हम लोग शॉपिंग करके जब यहाँ दोबारा आया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा सफाई हो चुकी थी, धुलाई हो गई थी, तभी ये भवन खुलता है। तो हम लोग जा रहे हैं कनक भवन के अंदर। बहुत ही सुंदर था, पास से देखने पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बड़ा तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, मतलब साउथ के लोग भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। कनक भवन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं, अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था ये। हम लोग यहाँ कनक भवन देखने के बाद हम लोग अब दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे ना रोड को चौड़ा करने के लिए अगल बगल जो पुराने घर थे सबको तोड़ के रोड को चौड़ा करने के लिए सब सारे घर आप लोग देख सकते हैं टूट चुके हैं, इसलिए जो टूटे हुए घर हैं कुछ कुछ दुकानें भी उसी में लगी हुई थी, इसलिए अभी यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था जैसे दूसरे साइड जाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ले रही थी अपनी, जैसे सिंदूर वगैरह होता है ना, बोलते ना कहीं जाओ किसी धाम पर तो वहाँ का श्रृंगार का कुछ ले लेना चाहिए, तो मैं वहीं ले रही थी अभी। हम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सारा यहाँ पे जितना भी दर्शन था सब पैदल ही करना था, इसलिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। यहाँ पे पलक है अपने मामू के साथ, दूसरे मेरे पास आ रही है दूसरे साइड, वो बस ठीक थी, और सब लोग तो सच में थक ही गए थे बहुत ज़्यादा।
हम लोग जा रहे थे दूसरे मंदिर, मैं यहाँ पे पलक भी सो गई थी गोद में, तो वहीं मैं बोल रही थी कि वो सो गई है, उसका खिलौना हाथ में ले लेने को, नहीं तो गिर जाता उसका खिलौना। हम लोग जा रहे हैं अब, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में। आप अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।